बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। दोस्तों, एक बद्दू की दुल्हन को जिस घोड़े पर बैठाकर लोग लाए थे, दुल्हन के घोड़े से उतरते ही इस बद्दू ने इस घोड़े की तलवार से गर्दन अलग कर दी। लोगों ने इससे ऐसा करने की वजह पूछी तो कहने लगा कि मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मेरी बीवी के उतरने के फ़ौरन बाद ही कोई और इसकी पीठ पर बैठ जाए और दुल्हन की सवारी की वजह से ताहाल घोड़े की पीठ गर्म हो। इसी तरह एक और वाकया ये है कि एक औरत ने अपने शौहर के खिलाफ अदालत में केस दायर किया कि इसके जिम्मा मेरे हक महर के 500 दिनार हैं। अदालत ने शौहर को बुलाकर पूछा तो उसने इनकार कर दिया। अदालत ने गवाहों को तलब किया और इनसे गवाही लेते वक्त औरत का चेहरा पहचानने के लिए औरत को नकाब उतारने को कहा। इस पर इसका शौहर जल्दी से खड़ा होकर कहने लगा कि काजी साहब, मैं तस्लीम करता हूँ कि मुझ पर मेरी बीवी के 500 दिनार लाजम हैं, बस आप इसका नकाब ना उतरवाइए। ये सुनकर बीवी कहने लगी कि काजी साहब, आप और तमाम हाजिन गवाह रहे कि मैंने अपना हक महर बख्श दिया है। काजी बेचारा हैरानो परेशान होकर सोच रहा था कि ये क्या हो रहा है। खैर, इन मियाँ बीवी के जाने के बाद काजी ने मुहर्रर से कहा कि इस केस का अलग फाइल बनाओ और नाम लिखो मर्द की गैरत। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। जज़ाकअल्लाह।